नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देर रात बिहार पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत। आने वाले 72 घंटे में बढ़ेगा तापमान। सुशील मोदी ने डॉक्टरों से करी मरीजों की मदद करने की अपील। राज्य में गर्मी आने के साथ ही आए इंसेफेलाइटिस के केस। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देर रात बिहार पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांगों के बीच सोमवार देर रात अहमदाबाद से विशेष विमान के जरिए रेमडेसिविर दवा की पहली खेप पटना एयरपोर्ट पहुंची। इसके तहत 37 बक्से में इंजेक्शन की खेप आई है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ले गई। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी खेप आज सुबह 11 बजे अहमदाबाद से पटना पहुंची है। पहली खेप में कुल 14,000 इंजेक्शन पहुंचाए गए हैं, जिसकी सप्लाई राज्य के सभी अस्पतालों में की जाएगी। आपको बता दें कि WHO और एम्स के मुताबिक रेमडेसिविर कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कारगर और सही दवा नहीं है। बावजूद इसके बिहार में इस दवा की डिमांड बहुत ज्यादा है और यहां अस्पतालों में डॉक्टर भी इस दवा को बाकी दवाओं की अपेक्षा बेहतर मानते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अस्पतालों में भी बेड व ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। कई मरीजों की जान ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण जा रही है। और इस बीच पटना हाईकोर्ट के ऑक्सीजन संकट पर दिए गए सख्त आदेश के बाद अब राज्य स्वास्थ्य समिति ने शिकायत को दर्ज करने के लिए एक ईमेल आईडी जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अगर किसी निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है और वहां उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में परेशानी हो रही है, तो ऐसे अस्पताल पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ईमेल आईडी के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ईमेल को जारी किया है, जो rgphccovidcomplaint@gmail.com है। बिहार विधानसभा में बना कंट्रोल रूम। राज्य में कोरोना संकट से निपटने की दिशा में बिहार विधानसभा के सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आज से काम शुरू है। इसके तहत इस कंट्रोल रूम के जरिए वर्तमान और पूर्व विधायकों, विधानसभा सचिवालय में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार वालों की कोरोना के इलाज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल रूम से संबंधित जिलों के DM और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी समन्वय को बनाया जाएगा, जिससे कि प्रभावित को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस कंट्रोल रूम से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी जुड़े होंगे, जो कि बीमारी से संबंधित जरूरी सलाह देंगे। बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के परामर्श के बाद लिया है। दिल्ली से बिहार के लिए रेलवे चलाएगी 7 समर स्पेशल ट्रेनें। बिहार आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 7 समर स्पेशल ट्रेनों को परिचालन करने का फैसला किया है। इसे लेकर दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि एक फेरे की होंगी। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार आज मुजफ्फरपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 04474 दिल्ली से रात 11 बजे रवाना होंगी, जो कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबांकी, गोंडा होकर मुजफ्फरपुर जाएंगी। वहीं कल 28 अप्रैल को इसी रूट से होकर दिल्ली से सहरसा के लिए समर स्पेशल ट्रेन 04478 भी रात के 11 बजे चलेंगी। हालांकि आज दिल्ली से 04476 भागलपुर जाने वाली ट्रेन मुरादाबाद मंडल से ना जाकर कानपुर होते हुए दीनदयाल उपाध्याय पटना होकर निकली। इसके अलावा नई दिल्ली से 04480 ट्रेन रात 11:55 पर चलकर जयनगर आएंगी। इसके साथ ही नई दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए 29 अप्रैल को और 30 अप्रैल को नई दिल्ली से दरभंगा और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। बिहार पुलिस कोविड वैक्सीन लगवाने में निकले सबसे आगे। राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में दिन रात पुलिसकर्मी लोगों की सेवा के लिए काम करते रहते हैं और वे बीमारी के भय के बीच में भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटे हैं, जिस कारण उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वैक्सीन लगवाना भी बेहद जरूरी है। और इस मामले में बिहार पुलिस सबसे आगे निकल चुकी है। इसके तहत बिहार के करीब 90% पुलिसकर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है और इसकी संख्या अब 86,969 हो चुकी है। इसका फायदा भी उन्हें दिख रहा है। इसके पुलिसकर्मियों में संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, वहीं जो भी संक्रमित हो भी रहे हैं उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं दिख रही है। ऐसे में इसे टीका का असर ही माना जा रहा है। आने वाले 72 घंटे में बढ़ेगा तापमान। राज्य में मौसम का मिजाज अगले 72 घंटों में फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क मौसम और बंगाल की खाड़ी आने वाली नमी बंद होने से 72 घंटों तक दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। इस दौरान दिन में चलने वाली तेज हवाएं गर्म रहेगी और धूप में तपिश रहने की वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होगी। विभाग के मुताबिक एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से होते हुए ओडिशा तक फैली है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ तक एक डिस्टर्बेंस सक्रिय है।
वायरस की वजह से बिहार के उत्तरी मध्य और उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर में 28 से 30 अप्रैल तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। फिलहाल पटना में आज यानी कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रमंडलीय आयुक्त कर सकेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य में कोविड 19 की वजह से कई अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं देने और इनकी मॉनिटरिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने एक फैसला लेते हुए पत्र को जारी किया है। इसके तहत प्रधान सचिव ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रमंडल के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रशासकीय पद जैसे कि प्राचार्य, अधीक्षक, उपाधीक्षक पर आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे या फिर किसी और को प्रभाव दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पत्र में यह भी साफ किया गया है कि यह व्यवस्था बस कुछ ही दिनों के लिए होगी और 31 मई 2021 तक ही प्रभावी रहेगी। राज्य में गर्मी आने के साथ ही आए इंसेफेलाइटिस के केस। कोरोना कहर के बीच इंसेफेलाइटिस बीमारी ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सूबे के मुजफ्फरपुर जिले में SKMCH में पिछले 2 दिनों में 4 बीमार बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चों में AES की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 1 की रिपोर्ट आने बाकी है। इनमें से वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले के 3 से 4 साल के बच्चे इंसेफेलाइटिस से पीड़ित है, जिन्हें ICU में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। SKMCH के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कर सहनी ने इस बीमारी का कारण धूप का एक्सपोजर और पोषण में कमी होने को बताया है। साथ ही उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील भी किया है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खिलाते रहें और पानी अवश्य पिलाएं और धूप में जाने से रोकें। इसके बाद भी अगर बुखार के साथ चमकी या फिर उल्टी के लक्षण आते हैं तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने कुव्यवस्थाओं को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दवा और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मगर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है और कुछ निजी अस्पताल और सरकार के अधिकारी इस ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार सरकार रेमडेसिविर के नाम पर बिहार वासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। एम्स सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों ने इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, मगर निजी अस्पताल रेमडेसिविर दवा को लिख रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रेमडेसिविर दवा को मंगाने का इल्जाम लगाया। कटिहार में मध्याह्न भोजन योजना में आया हेरा फेरी का मामला। राज्य के कई जिलों से अक्सर ही सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं। इस बीच कटिहार में MDM योजना में भारी हेरा फेरी का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड में पिछले साल विद्यालय बंद रहने के दौरान संवेदक ने विभाग के एक अधिकारी का फर्जी सिग्नेचर करके 800 क्विंटल अनाज उठाकर उसकी कालाबाजारी कर दी। शिक्षा विभाग की माने तो साधन सेवी और संवेदक संयुक्त सिग्नेचर के बाद ही अनाज का उठाव होता है। मामला आने के बाद फर्जी साइन करने वाले संवेदक गोपाल प्रसाद मंडल पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग भी गंभीर है और जांच करवा रही है, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर संवेदक से 25 लाख से ज्यादा राशि वसूली जाएगी और उसे ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच महावीर मंदिर न्यास मदद के लिए आया आगे। राज्यभर में कोरोना मरीजों के लिए महावीर मंदिर न्यास ने निशुल्क सलाह देने के लिए डॉक्टरों के मोबाइल नंबर को जारी किया है। इसके तहत महावीर मंदिर न्यास के द्वारा संचालित महावीर आरोग्य संस्थान के 8 और महावीर वात्सल्य अस्पताल के 5 डॉक्टर कोरोना से जुड़े हर परामर्श को निःशुल्क देंगे। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित महावीर कैंसर संस्थान की ओर से भी अलग से सूची जारी किया गया है। इसके तहत महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर कोरोना से पीड़ित हो रहे कैंसर मरीजों को विशेष चिकित्सकीय परामर्श देंगे। इसके लिए महावीर वात्सल्य अस्पताल और महावीर आरोग्य अस्पताल के विभिन्न डॉक्टर टेलीफोनिक वार्ता के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 5 या फिर 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। सुशील मोदी ने डॉक्टरों से करी मरीजों की मदद करने की अपील। राज्य में एक तरफ दवाओं और कई चीजों की कालाबाजारी जारी है, वहीं ऐसे भी मामले दिख रहे हैं कि अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इन सब को लेकर पूर्व डिप्टी CM और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ निजी अस्पताल और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कोरोना संक्रमितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने में अड़ंगा डाल रही है। लोगों को शिकायत ये रहती है कि एक तो चिकित्सा सेवाओं का शुल्क बहुत ऊंची दर पर
चार्ज किया जा रहा है और दूसरी ओर नगद भुगतान करने के लिए दबाव बना जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और निजी हॉस्पिटल को मानवीय रुख अपनाने और हर बीमित मरीज को आसानी से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि बीमा कंपनियां और संबंधित अस्पताल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बीमा नियामक अधिकरण को ऐसे मामलों में तुरंत पीड़ितों के हित में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगाया प्रतिबंध। देश में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। इस दौरान चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के जश्न या फिर विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। चुनाव परिणाम आने के बाद हर राज्य में सियासी दलों के कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालयों में विजय जुलूस और जश्न मनाते हैं, लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने किसी तरह के जुलूस कार्यक्रम को नहीं करने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया था। इसके तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई, जिससे कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हुआ, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया है। नंबर 1 आने के लिए आज होगा दिल्ली और बेंगलोर के बीच महामुकाबला। आईपीएल में आज शाम होने वाला मुकाबला मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज शाम विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और युवा कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही टीम आज पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 आने के लिए खेलने वाली है। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दरअसल जो भी टीम आज का मैच जीतेगी वो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे और आरसीबी तीसरे नंबर पर है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी टॉप पर है। देशभर में 24 घंटे में कोरोना केसेस में दिखी मामूली कमी। देशभर में बीते 2-3 दिनों के मुकाबले कोरोना मामलों में मामूली कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2,771 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,76,36,307 पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना के अभी 28,82,204 एक्टिव मरीज हैं और 1,45,56,209 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक 11,801 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या 89,660 हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 9,228 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। बिहार में रिकवरी रेट 77.88% हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आईपीएल में आज शाम खेले जाने वाले मैच में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स में से किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।